तो आज हम बनाएंगे दिल्ली के स्पेशल आलू के पराठे, बड़े बड़े और फूले फूले। तो उसके लिए मैंने आलू उबाल के उनको मैश कर लिया है, उसमें नमक डाल लिया है और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है। बाकी इसमें मैंने कटे हुए प्याज और कटी हुई मिर्ची डालनी है, तो मैं मिर्ची ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आटा मैंने गूंद के पहले से रेडी कर रखा है, तो इतने मैं अपने आराम से मसाले मिला लेती हूँ। मिर्ची और नमक अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मिर्ची और प्याज, तो आप प्याज ज़्यादा डाल सकते हैं। मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को क्रश करके अच्छे से डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको मैं एक साइड में रख दूंगी और जो हमारा आटा है उसको हम लोई बना लेंगे। मोटा चाहिए तो मोटा बना सकते हैं, पतला चाहिए तो पतला बना सकते हैं। अब इसको हम बेल के इसके अंदर आलू की स्टफिंग कर लेंगे और इसको हम हल्के हाथ से बड़े सारे तवे पे बेल के रख देंगे। ये देखिए, बेलने के बाद में आराम से इसको हम रख सकते हैं और ये फटता भी नहीं है। अगर आप इससे थोड़ा और बड़ा तवा लेंगे तो ये और बड़ा बन जाएगा। मेरे पास इससे बड़ा तवा नहीं था तो मुझे इतने में ही गुजारा करना पड़ा। अब हम इसको अलट पलट करके घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे और मटर के साथ में, दही के साथ में या कोई भी टमाटर की चटनी के साथ में गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो आई होप आप ये पराठा ज़रूर बनाएंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा। दिल्ली का बहुत ही फेमस पराठा है और बहुत ही झटपट से बन भी जाता है और ये इंडियन स्नैक्स भी है। तो जब पिज़्ज़ा और ये सब खाने का मन नहीं हो तो आप देसी पराठा खाओ और देसी तरीके से इंजॉय करो। ये देखिए, मैंने इसमें बटर डाल दिया है। अब इसमें मैं चटनी डाल देती हूँ और गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ।